गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ ऑनलाइन क्लास वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट सेशन आई टॉट यू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश ग्रामर एंड फॉर मेनी टॉपिक्स दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। But today I will teach you new topic that is also very essential for you. The topic is helping verb. Many students are reaching class 9th, 10th, but they don't know what is the helping verb of particular tense, indefinite, continuous, present perfect continuous. So today I am going to write helping verb and I will tell you how can we learn it carefully with a verb, in which tense which verb is used. So students, be careful and look at the board. Present, past, future. Indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, good as, is a man, has a, has been, and have. Next one is did, was, were, had, and had been. The next is will, shall, will be, shall be, will have, shall have. The last is will have been and shall have been. स्टूडेंट्स, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है। आपको बड़े ही केयरफुली इसको लर्न करना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। आपको टेंस सीखना हो या किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म फिल करनी हो, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो इनको ठीक से लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद
अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस टेंस में किस वर्ब का यूज होता है, यानी जो कल हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको भी बड़े ध्यान से देखना है और कल की वर्ब आज के हेल्पिंग वर्ब के साथ मैच करते हुए आप आगे के टेंसेस, आगे के ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले को लर्न करने का तरीका बता देते हैं कैसे लर्न होगा। ये कह रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी यही थ्री टेंसेस होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपसे कोई पूछ ले कितने टेंस होते हैं तो टेंस ओनली थ्री होते हैं। थ्री के ही फोर पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी हेल्पिंग में इस तरह से लर्न होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट गुडस, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी। इसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब इंडेफिनिट कोई भी हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही होता है, ऐसा फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब डूडस कहीं लगी हुई है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, अदरवाइज वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ई एस का ही होता है। यानी अगर सेंटेंस आपका सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज होता है, सिंगुलर के साथ एस ई एस का यूज करेंगे, प्लुरल के साथ यूज नहीं करते हैं। बात आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू में वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगती है, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी फॉर्म। जैसे गो लिखा हुआ है उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे गोइंग होगा, रीच लिखा हुआ है आई एन जी जोड़ देंगे रीचिंग हो जाएगा, रन लिखा है आई एन जी जोड़ देंगे रनिंग हो जाएगा, टीच लिखा हुआ है आई एन जी जोड़ देंगे टीचिंग हो जाएगा। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे टीच टॉट टॉट, यानी सेकेंड फॉर्म भी टॉट थर्ड फॉर्म भी टॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। सो स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जिसमें भी होता है, केवल ठीक कंटिन्यूस की तरह होता है पूरा, अंतर इस बात का होता है इसमें टाइम जरूर दिया होता है। अगर टाइम दिया है पहचान जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम नहीं दिया है और कंटिन्यूटी वर्क की शो कर रहा है तो कंटिन्यूस है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही होता है जब आपका डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हो, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होगा तो डिड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। अगर ऐसा नहीं है, डिड का यूज नहीं है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, वो भी सिंपल सेंटेंस में। अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है डिड लगा होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और इसी में टाइम जरूर इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस टाइम इसमें भी इंक्लूड होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म लगेगा किस पर्टिकुलर टेंस में, ये आज आपको पता चल गया। स्टूडेंट्स, इसके जब टेंसेस बताएंगे तो और भी रूल क्लैरिफाई करेंगे
कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, किसको किस तरह से पुट अप करते हैं। अब स्टूडेंट्स इनको ठीक से पढ़ाई कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।